एक चीज़ थी जो कि मुझे महसूस हुई कि उनकी दिलचस्पी जो थी वो हरे रंग से काफ़ी थी, और रॉयल फैमिली है, रॉयल सोच है, लोगों के दिलों में बसते हैं, तो उन्होंने हर चीज़ का बड़ा इसका ख्याल रखा कि उनको क्या करना है, क्या चाहिए। तो जब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी दिलचस्पी हरे रंग से है, तो फिर जो शेरवानी उन्होंने मुझे कही थी बनाने के लिए वो तो मैंने बनाई, लेकिन मैंने अपने तौर से एक ऑप्शन उनको भेजा, तो मालूम ये हुआ कि उन्होंने जो मुझसे बनवाई थी वो उसको उन्होंने इतना पसंद नहीं किया, लेकिन जो मैंने उनको भेजी थी अपने तौर से उसको उन्होंने पहना और पूरी तकरीब में पहना और पूरी दुनिया ने उसको देखा। और मैं अभी फॉरेन ऑफिस की मैं बातें सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये नहीं है कि मैंने शेरवानी बनाई या मैंने एक रॉयल के लिए मैंने कोई काम किया या मैंने कोई चीज़ की। बात यह है कि वो तो एक अपनी जगह बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन हमारा मुल्क जिस कंडीशन से गुजर रहा था पिछले काफ़ी सालों से, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि इतनी मुश्किल वक्त के अंदर मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का एक काम होना चाहिए कि उसके अंदर हर कोई अपने अपने शोबे के अंदर एक कदम उठाए। हाँ, और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर रहा हूँ। लेकिन नुमान साहब चलिए, अगर आप मेरे हाँ चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नोट भी करें, नुमान अंडरस्कोर आरफीन पे, जो हमारा ब्रांड नौशे मियाँ का है, उसमें आप देखें कि मैंने एक शूट भी की है, फैशन शूट, जो कि मैंने सिखों को ट्रिब्यूट किया था, जब ये हमारा लाहौर का जो चीज़ें जो दरवाज़ा खोली। ये तो वाक़ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है नुमान साहब, कि हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी, हर शहरी को ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करनी होगी। मगर जो आपको पता है कि कपड़ों के हवाले से जब शाही जोड़ा आ जाए जी, कपड़ों के हवाले से एक बड़ा चैलेंज होता है, और आपको पता है अब तो ये ट्रेंडिंग बन जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, खवातीन जो है वो टेलर्स के पास पहुँच जाएंगी, डिज़ाइनर्स के पास पहुँच जाएंगी, और बहुत सारे लोग जो है नुमान आफरीन के पास आ जाएंगे कि हमें जो है वो शेरवानी शहजादा विलियम वाली चाहिए। मुझे ये बताएं कि उनका लिबास या उनकी शेरवानी तैयार करना, आपने बताया कि जो आपने तैयार की वो शहजादा विलियम को ज्यादा पसंद आई, तो आपको खुद कितना ज्यादा कंफ्यूज थे या आपको लग रहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, इसको सर कर जाना है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स को वो चीज पहनाना जो शख्स वो पहनता ना हो। अगर आपके इल्म में हो तो बर्तानिया के अखबार ने, टेलीग्राफ ने ये बात लिखी थी कि हमने आज तक प्रिंस विलियम्स को सूट और चीनो पैंट्स के अलावा कभी आज तक नहीं देखा, और अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये बात कह रहा है कि कहते हैं विलियम ने जो है वो केट को ओवरशैडो